तुम अपने को मन क्यों समझता है, क्यों ख्याल के वश में क्यों आ जाता है? मेरे को ख्याल आ गया, मेरे को भाई आज मन आ गया। किसको मन आ गया? आत्मा को मन आता है, आत्मा में ख्याल होता है, आत्मा में विक्षेप होता है। बोलते विक्षेप आ रहे या नहीं आ रहे, तेरा की तुम्हारा क्या वास्ता है विक्षेप से? तुम देह में आके बोलते है मेरे को तो मन आता है, मेरे को तो इच्छा भी होती है, मेरे को तो ये भी होता है, मेरे को माना किसको? फिर तुम आत्मा को बुला के देह में आता है, बोला मेरे को मन आता है, मेरे को इच्छा होती है। तुम्हारे में कभी इच्छा है? तुम्हारे में कुछ है? सागर में कुछ होता है? हजारे नाव, हजारे जहाज उसमें डूब भी जाए, चाहे तरे चाहे डूबे, विचरता रहे, ऐसा घूमता रहे सारे सागर में, ये सागर को क्या होगा? कई सुखी गल देनी भाई, तू मन सा गाय के लिए उससे मिलके एक हो जाता है मन से और बुद्धि से। मेरे को इच्छा होती है, मेरे को माना किसको? तू कौन है? अपने को जानो ना, तुम कौन है? तू आत्मा है? तेरा मन से कब लगा हुआ है? तेरा बुद्धि से कब वास्ता है? किसी से भी वास्ता नहीं। देह का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, प्राण का धर्म, अपने में तू मान के बोल रहा है मैं तो है भाई भिखारी हो गया हूँ, मेरे में तो इच्छा आ गई है, मैं तो भाई मेरी तो बुद्धि चलती नहीं है, मेरी बुद्धि में विकार आ गया, मेरे मन में विकार आ गया। मेरा मन न, मेरा मन मेरे से जुता है। ख्याल आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, तुम देखता रहो। खाली देखेगा तो ख्याल थक जाएगा, मन थक जाएगा, बोलेगा ये मेरे से मिक्स नहीं होता है। मन तभी खुश होता है, मोटा होता है, जब तुम उससे साथ मिक्स होके जाके उससे कर्म करता है। मन आया भी, मन मेरे को बोला भाई चलो इधर सिनेमा में चलो, आया भी ठीक है, मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं चलना, मेरी आवाज सही नहीं है सिनेमा में, सिनेमा मैं इधर ही देख रहा हूँ, मैं ही खुद दृष्ट रहा हूँ, मैंने ही सिनेमा बनाई है। फिर मन क्या करे? फिर कोई नुकसान करके गया, परीक्षा लेके गया, मैं पास हो गया, मन आया तो क्या हुआ? तो मन से क्यों डरता है? इच्छा से क्यों डरता है? नाव चलती रहे सागर में, तेरा क्या वास्ता है? सागर का कुछ बिगाड़ेगी? आत्मा का कुछ मन बिगाड़ता है? लेकिन तुम अपना स्वरूप उसी टाइम भुला के और मन में आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, देवा में आ जाते हैं, मन से मिक्स होके मन को बोलता हाँ हाँ मन तुम तो राइट है, सिनेमा में जरूर चलना चाहिए, ऐसा जरूर करना चाहिए, जैसा जैसा मन बोलता है तैसा तुम करते हैं, तभी मन मोटा हो जाता है, तभी तुम दुखी सुखी होता है। जो तो सही सदा है तू सूर सही, जो तो जीव सदा है तू सूर सही। जीव सदा के अपने को दर्द सहा है, तुम अभी भी आत्मा अपने को जानो, तो मन से बुद्धि से तुम्हारा वास्ता ही नहीं है। मन आता रहे आप ही चला जाएगा, तुम खाली उसको नॉन कोऑपरेशन, उससे कभी भी ऐसा कोऑपरेट नहीं करो, उसी से मिक्स नहीं हो जाओ, सहमत ना हो जाओ, एकदम उसी से अलग हो जाओ। कौन सा भी ख्याल लेके आए, कहाँ का भी ख्याल लेके आए, तुम खाली जानो ये तो जगत का ख्याल है, ये तो जीव का ख्याल है, ये तो इच्छा का ख्याल है, ये तो मोह का ख्याल है, ये तो मेरे से बनता ही नहीं है। तुम दूसरे का ख्याल लेके आए, ये मेरे से बनता नहीं है, मैं तो अद्वैत आत्मा हूँ, दूसरा मेरे में है ही नहीं। जवाब दियो ना मन को, तो मन भी देखे भाई ये कितना आत्मा में खड़ा है। भले मन आवे, मन कोई खराब है क्या? मीटर है बहुत अच्छा, टैक्सी का मीटर होता है तो पता चलता है ना, थर्मामीटर होता है तुमको पता चलता है ना इसको कितना बुखार है, तो उसकी दवाई है। जब नॉर्मल बुखार हो जाएगा तो उसकी दवाई बंद है। तुम्हारे को मन आएगा, तुम नॉर्मल नेचुरल है, मन आया चला गया, तुमको कोई असर नहीं हुआ तो समझो बुखार नहीं है, तो उसकी दवाई भी नहीं है। समझो बुखार थोड़ा है, मन आया, तुमको भी ऐसा फील हुआ, तुमको भी अपने साथ लेके गया, फिर उसकी दवाई है। यही अभ्यास, यही वैराग्य नित्य नित्य। पर मन आता है तो तुमको अच्छी तरह से बताता है भाई अभी तुम्हारे में ये बीमारी बाकी है, अभी तुम्हारे में बाकी मोह है, अभी तुम्हारे में बाकी इच्छा है। मन तुमको बता के जाता है तुम्हारे में बाकी ये बीमारी है, गुरु के पास जाके बीमारी का इलाज करो। कौन सी खराब बात किया? ये जो सब आजकल ये जो इलाज चल रहे हैं भाई, इसकी पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए भाई, इसके शरीर में क्या क्या है। तो ये जो मन है तुम्हारा पूरा पूरा समझो तुमको बताता है, तो बाकी कौन सी बीमारी है, कहाँ बाकी खराबी है? तो मन खराब नहीं है, आता रहे जाता रहे, ख्याल आता रहे जाता रहे, विक्षेप भी आता रहे जाता रहे, विक्षेप भी तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम खाली उसे सहमत नहीं होएगा तो मन शांत हो जाएगा आप ही,
बोलेगा ये तो हमको कोई भी कंपनी देता ही नहीं, कंपनी नहीं देगा तो शांत हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो मुझ सागर में नौका, नौका विश्व रूपी नौका मन की हवा लगने से चलती फिरती है, घूमती फिरती है सागर में, लेकिन मेरा कोई लाभ हानि नहीं है उसी से, वास्ता ही नहीं। उत्पन्न होती है फिर लय होती है, फिर उत्पन्न होती है फिर लय होती है, सागर का क्या गया बताओ? तू सागर है, तू आत्मा है, तू भगवान है, खुद परमात्मा है, तेरे संकल्प से ये मजा हुआ है सृष्टि का, अंदर भी तेरा ही संकल्प है, संकल्प है, कभी विकल्प है, कभी विक्षेप है, कभी कुछ भी है, सारे दिन में देखो करोड़े ख्याल तुम्हारे को आता है, तुमको याद है, लेकिन कोई कोई ख्याल कौन सा याद है जो तुमको डुबा के गया, जो तुमको बहुत हर्षित करके गया या बहुत दुखी करके गया, वो ख्याल याद है? वो आके बताएंगे कल मेरे को फलाना ख्याल आया, बस मेरा तो श्वास ही चला गया, मेरा तो इंद्रियां ही सूख गई, ऐसा डर का ख्याल आया, ऐसा हुआ, ऐसा मोह का ख्याल आया, वो याद है? बाकी जो करोड़े ख्याल तुमने किया वो याद है? आया और चला गया, तुमको किसने भी हानि और लाभ नहीं पहुंचाया, लेकिन जिस ख्याल ने तुम्हारी हानि की लाभ किया, मन आत्मा को जब तुम भूल गया और मन के साथ सहमत हो गया, मन ने डराया तुम भी डर गया, मन ने इच्छा की तुमने जाके पूरी की, मन ने कुछ भी किया तुमने बोला हाँ हाँ ठीक है, मन से सहमत हुआ, वो तुमको याद होगा, क्योंकि दुखी सुखी हुआ होगा उसी टाइम, या तो बहुत सुखी हुआ होगा, मन बोलेगा तुम क्या नहीं है, तुमको इतना सुख है, अरे तुमको ये अच्छा मिला है, तुमको इतना पैसा है, तुम बहुत स्वर्ग के सुख में बैठे है, तुम बहुत मजे में है, तुम ऐसे है, तुम बड़ा खुश, या कोई अचानक बात मिल गई, कोई अचानक चीज मिल गई जो तुम्हारे मन ने बहुत टाइम से इच्छा किया है, समझो आज वो मिल गई तो बहुत हर्षित होएगा, वो ख्याल याद आएगा, बहुत खुशी हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत विक्षेपता गई, बहुत डर हुआ, कोई भी ख्याल आया ऐसा जिसमें तुम डूब गया तो वो याद आएगा, बाकी सारे दिन में करोड़े ख्याल तुमको याद आता है, आता है जाता है, वो तुमको विक्षेपता में नहीं लाता है। तो ज्ञानी को कैसा भी ख्याल आवे 24 घंटे में, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जड़ हो गया, मुर्दा हो गया, जिसको ख्याल ही नहीं चलता। अगर ख्याल नहीं चले तो तुम सबको ज्ञान बता नहीं सके, तुम्हारे पास आ न सके, तुमको प्यार न कर सके, तुमको खींच न सके, तुम्हारा कोई बात याद न कर सके, अरे इसको कौन सा दुख है, इसके पास जाओ, ये इतना दिन नहीं आया है, इसको बाकी ये बात समझाओ, ये बाकी इधर मरा पड़ा है, बाकी इस बात में इसका मन है, इसको छुराओ, इसका ऐसा करो, ऐसा ख्याल भी क्यों आवे? तो जरूर जड़ तो ही है, मुर्दा तो रही है, ज्ञानी के अंदर प्रेम तो है ना, तो सर्व के साथ जो प्रेम है उसका संकल्प उसको आता है, जिस जिस जो जो पुकारता है उसका संकल्प उसको आएगा, तभी वो पहुंचेगा उधर, ऐसे नहीं पहुंचता है काम भी, किसको संकल्प से, किसको दृष्टि से, किसको टचिंग से, किसको वाणी से उसका उद्धार करेगा तो कैसे करेगा? उसके पास अगर संकल्प ही नहीं होवे, मुर्दा होवे, तो ज्ञानी कैसे ये कार्य कर सके? लेकिन वो किसी ख्याल को ऐसा पकड़ के नहीं बैठता है, ये ख्याल क्यों आया, ये मेरे को काय के लिए, ये विकल्प भी क्यों आया, अचानक कोई संकल्प क्यों आया मेरे को, ये तो दुनिया का संकल्प हुआ, ये तो इसका संकल्प हुआ, अरे आया तो क्या हुआ, मेरा वास्ता ही नहीं है तो चला गया। जिस बात से मेरा वास्ता है वो हम सुनेंगे, मन की बात, मन अच्छी अच्छी बात भी लेके आता है वो हम सुनेंगे, जो ठीक बात नहीं है हमको नहीं लगती है तो सुनेंगे ही नहीं, लेकिन हमारी लाभ और हानि नहीं है, तुम डरो नहीं तो ख्याल क्यों आया? कैसा भी ख्याल आवे तुम दृष्टा साक्षी होके पहले देखो कौन सा ख्याल आया, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसी स्वच्छ बुद्धि सतोगुणी बुद्धि होनी चाहिए जिसके साथ तुम एकदम निर्णय कर सको तो ये सच है कि झूठ है, ये ख्याल राइट है कि रॉन्ग है, ये काय के लिए आया मेरे को ख्याल, ये किस बात के लिए आया, ये मोह है या इच्छा है या वासना है, कौन सा ख्याल आता है मेरे को? तुम जानने वाली बुद्धि है तुम्हारी, स्वच्छ बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, जैसे तुम बंधन को, मुक्ति को, प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, सच को, झूठ को जान सकता है, और जो बुद्धि सच को, झूठ और झूठ को सच समझे, समझो वो राजसी और तामसी बुद्धि है, जगत है मिथ्या, तुम बोलता है सत्य है, तो उसमें सत्य बुद्धि से तुम काम करता है, जो नहीं करने का काम वो करता है, जो करने का काम है वो नहीं करता है, ये जो बुद्धि है वो रंग बुद्धि है, वो सात्व की बुद्धि नहीं है, राजसी और तामसी बुद्धि है, लेकिन सात्व की बुद्धि वाले को पूरा ज्ञान है तो सच क्या है झूठ क्या है, बस
एकदम कोई भी ख्याल आया वो निर्णय करेगा नो नो तो नो, यस तो यस, भाई ये मेरे मुंह पर ही नहीं बात पड़ती है, ये मैं नहीं करूंगा, चाहे मन आया भी ख्याल लेके भी आया नो नो या यस। ऐसा तुम होशियार बनो जो ख्याल आवे उसका भी साखी बनो और देखो निर्णय करो एकदम, तो सच क्या है झूठ क्या है, सच्चा ख्याल क्या है झूठा ख्याल क्या है, तो एकदम तुम यस नो कर सकेगा और उसके मन के उसके चंबे में नहीं आएगा, कभी तुम्हारे को कभी गुलाम नहीं करेगा वो मन, चाहे क्या भी होवे उत्पन्न होवे चाहे लय होवे, मेरा क्या वास्ता है, मैं तो सागर हूं। आत्मा में किसी भी ख्याल को नहीं लाओ, तुम अपने को बिल्कुल न्यारा समझो, ख्यालों से मन से बुद्धि से शरीर से सब बातों से न्यारा, मैं न्यारा हूं, मैं आत्मा हूं, ख्याल है मन का धर्म है, ये ख्याल आता रहता है जाता रहता है, लेकिन जैसे ही तुम दृष्टा साक्षी होके अपनी आत्मा में रहेगा तो ख्याल भी कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तुम मन को साथ देता था तो मन और भी मोटा होके तुम्हारे को ख्याल लाता था, ऐसा भ्रम ख्याल, अभी जब तुम मन को सहमत नहीं देगा तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, आएगा ही नहीं, पहले इतना ख्याल पीछे इतना पीछे इतना पीछे बहुत थोड़ा सा ख्याल आएगा, फिर वो भी बंद हो जाएगा, शांत स्वरूप हो जाएगा, फिर कोई संकल्प विकल्प तुमको सताएगा नहीं, आएगा तो भी तुम्हारे काम का, तुम्हारे अंदर ही अंदर से अनुभव निकलेगा ये ज्ञान का, अच्छी अच्छी बात निकलेगी, ये ज्ञान की बात निकलेगी, अनुभव की बात कोई लेके आएगा, कहां भी जाएगा अनुभव कुछ न कुछ लेके आएगा, ऐसा अंदर से ज्ञान तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा, तुम्हारे अंदर पावर है बहुत, रीजनिंग पावर है, क्या सच है क्या झूठ है, तुमने जैसे ही सच को जाना तो वही ख्याल तुम्हारे अंदर से निकलेगा, कुछ भी देखेगा तो उसे अनुभव लेके आएगा ज्ञान का, ऐसा नहीं डूब जाएगा माया में, माया में भी तुम्हारा जाना पड़ा, कहां भी ऐसे जगह जाना भी पड़ा ना, उधर से भी अनुभव लेके आएगा, अज्ञानी के पास तुमको जाना पड़ा ना बहुत अज्ञानी, उसी से भी अनुभव लेके आएगा, तो देखो ये कितना दुखी है, कितना बोलता है घर में, देखो हमारे को गुरु ने कितना मौन सिखाया है, कितना विखेरता में है, एक एक घर में विखेरता लगी पड़ी है, झगड़ा लगा पड़ा है, तू मैं लगी पड़ी है, तेरा मेरा लगा पड़ा है, जाके उधर से भी तुम सीख के आएगा, तो जैसे वो रंग चलता है जैसे वो मिस्टेक करता है वो मैं ऐसे नहीं करूँ, अज्ञानी से भी ज्ञानी सीखता है और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता है, जो मूर्ख है वो ज्ञानी से भी नहीं सीखता है और ज्ञानी अज्ञानी से भी सीख के आता है, तो ये अज्ञान है ये ज्ञान है, उसके बुद्धि में पूरा निर्णय है ये ज्ञान है ये अज्ञान है, हमको ऐसे ज्ञान में नहीं जाने का, किसी भी गृहस्थी के घर में जाओ देखो कितना दुख है कितना कलेश है कितना रोना धोना है, बीमारी है दुख है बच्चे है ये है चिंता है, चिंता का चोला पहन के बैठा ही है सब में, हम तो 5 मिनट किसके घर में जाता है तो अनेक अनुभव अंदर आ जाता है, एक घर में कल हम खाली 5 मिनट गया सबको आके बताया भाई कैसे वो दुखी था कैसे वो बीमार था कैसे उसकी औरत उसके मुंह में बीमार थी कैसे बच्चे सब बीमार थे जैसे दुखी थे, एक घर में कोई बीमार होता है सारा घर असल ऐसा मुंज में आ जाता है मायूसी में आ जाता है, ये मरने जाए मम कहां से खाएगा, औरत दुखी बच्चा दुखी ये दुखी वो दुखी, ये क्या है, ज्ञान नहीं है तो कितना दुखी आदमी, जैसे पहाड़ पर लकी जैसे अज्ञान उसको इतना सच बांसता है जगत इतना सच बांसता है भाई मेरा पति है एक दिन मर जाएगा मैं विधवा हो जाऊंगी, इतना डर उसी औरत को सारा दिन, कैसे डर में रहते हैं, मुंह सूख जाता है सबका पीला हो जाता है जवानी में बुढ़ा सब लग रहा है, हमने बोला ये देखो अज्ञान कितना अज्ञान से हमको गुरु ने बचा दिया कितना हमको ऊपर चढ़ा दिया, वो बेचारे मोह में इच्छा में वासना में डर में फ्यूचर का डर क्या होगा हम कहां से खाएगा बच्चे छोटे हैं पीछे क्या होगा मर्द मर जाएगा पीछे क्या होगा, खाली कोई बीमारी आती है देखो हजारें डर हजारें दुख हजारें चिंताएं आ जाती, लेकिन गुरु ने बैठ के कैसे अंदर से कीड़ा निकाला सब अज्ञान का, कैसे पौत्र स्वच्छ बना दिया कैसे साफ बना दिया, संकल्प से विकल्प से खाली डर नहीं फ्यूचर नहीं पास्ट नहीं, भगवान बैठा है भगवान है, जिसको पता है भगवान है वो कोई डर करेगा, Why fear when I am here?
काहे का डर जब मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डर काहे का करते है? भगवान बोलते हैं बाकी सारी दुनिया डर में, मोह में, काम में, इच्छा में ऐसी डूबी पड़ी है, जब भी तुम कहां भी जाएगा तो अनुभव लेके आए आसरा लियो मानुष्य की टेक वृथा जान। जो मेरे ही आश्रय में रहता है, भगवान बोलता है गीता में, मेरा ही आसरा लेता है, मैं ही परम आसरा हूँ उसका, परम गति, परम धाम, परम आसरा, जो मेरे आश्रय पर चलता है बस वही सुखी है। बोलता मैं आत्मा का आसरा लेके इतना शांत हूँ, इतना शांत हूँ, जो मेरे में कभी अशांति आ ही नहीं सकती है। ये विक्षेप मेरे में नहीं आए, ये मन मेरे में नहीं आए, ख्याल मेरे में नहीं आए, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ। महासागर जैसे सागर बहुत गंभीर रहता है, अंदर बाहर से मथांचरे पड़ ये सब लहरें हैं और ये वो होता है बुदबुदा, बाकी दीप में देखो बहुत गंभीर है सागर, इतना शांत है, इतना शांत है दीप में कि उधर हलचल नहीं है, दीप में जाएगा उधर हलचल नहीं है। ऊपर से मथांचरे पड़िए जो किनारे पर लहरें होती है, अंदर लहरें नहीं है। इसी प्रकार किनारे पर संकल्प विकल्प है तुम्हारा मन के अंदर, पर तुम्हारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं है, तुम आत्मा है, तुम शांत है, तुम मौन है, तुम्हारा असल आद से स्वभाव ही मौन है, स्वभाव ही शांत है। आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, आत्मा में कभी अशुद्धता ही नहीं है, निराकार स्वरूप है, निर्विकार है, उसमें कभी विकार आया ही नहीं है, विक्षेप आया ही नहीं है, तुम्हारे स्वरूप में कभी विक्षेप नहीं है, कभी विकार नहीं है, तुम निर्विकारी निराकार आत्मा है, शांत है, मौन है, गंभीर है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, आत्मा में कुछ नहीं है, बस आत्मा को बुलाया तो सब कुछ है, सारा जगत है, खाली आत्मा को एक सेकंड के लिए बुलाओ, सारी माया अंदर घुस के आएगी, एकदम आ जाएगी, खाली छेद देख रखो अंदर, नाव में पानी आ गया, बस पानी डूब गया, ये नाव डूब गई। इसी प्रकार थोड़ी सी भी इच्छा है, थोड़ा सा भी जीव भाव है, थोड़ा सा भी अहंकार है देह का, सारी माया अंदर आ जाएगी, एक छेद में सारा पानी आ सकता है और नाव को डुबा सकता है, खाली एक थोड़ा सा छेद है, बाकी में को थोड़ी सी इच्छा है, बाकी खाली एक इच्छा है, सब इच्छाएं तो गुम हो गई, थोड़ी सी इच्छा बाकी रह गई है, थोड़ी सी इच्छा में ही तो बेड़ा डूब जाता है, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा क्रोध है, खाली थोड़ा सा है बाकी, एक विकार बाकी रह गया है थोड़ा सा, तो थोड़ा जहर भी तुम गुमारने के लिए काफी है, थोड़ा पानी भी नाव को डुबाने के लिए काफी है, थोड़ा अज्ञान भी तुमको जन्म मरण के लिए काफी है, थोड़ा अज्ञान, किसमें भी थोड़ी वासना, बाकी थोड़ी इच्छा, बाकी थोड़ी वासना है, बाकी थोड़ा सा ये है, वो जन्म मरण सामने है, क्योंकि मरने के टाइम वही चीज सामने आएगी, वही ख्याल सामने आएगा, ये थोड़ा भी अभी निकालो पूर्ण हो जाओ, परफेक्ट, तू तो पहले से ही परफेक्ट है, पहले से ही पूर्ण है, अपने को अपूर्ण करके बैठा है, जीव भाव में आया है तो अपूर्ण है, आत्मा में है तो अभी भी पूर्ण है, आत्मा है ही पूर्ण, उत्पन्न हुआ ही नहीं है, नहीं उत्पन्न हुआ है, नहीं लय हुआ है, वो दृश्य मात्र है, दृश्य मात्र, आत्मा तो उन पर पंच रहित विकार रहित बिल्कुल शांत है। फिर भोला बाबा का एक श्लोक बहुत अच्छा दिया है, अध्यक्ष हूँ मैं विश्व का, अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष मुझ में कल्पना, कल्पी हुई से सत्य की होती कभी कुछ हानि ना। अति शांत बिना आकार हूँ, पड़े रूप से पड़े नाम से, अद्दिव्य अनाम्य तत्व में छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे, के लिए होता है जगत तुम्हारे में उत्पन्न ही नहीं होता है तो लय काय का, मन है ही नहीं, सांप है ही नहीं तो तुम सांप को बैठ के मारता है, सारा दिन मारता है, मन है था जिसको तुम मारता है, ये वृत्ति का ज्ञान भी नहीं है, मैं वृत्ति बनाता हूँ, वृत्ति न मेरी माया में जाने से खंडन हो जाती है, फिर मैं शांत बैठ के और अपने मन को समझाता हूँ, फिर समाधि लगाता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ, अपने मन को बोला मन हटो। एक आदमी रास्ते से जाता था, रोजा के हमको बताता था, भाई
दादाजी मैं न मन को हटाता हूँ रोज क्या चवंदो परे सजो नहीं मन परे 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 तो दादा ने बोला कितना साल हुआ है परे परे करते बोला 50 साल हो गए परे हुआ है नहीं परे तो नहीं होता है रोज आता है मैं बोलता हूँ परे भिखारी बन गया था रोज एक बात याद रखना जिंदगी में हमारे पास जागृता में भी हमने ये अनुभव किया था पुछा पे आत्मा जी पुछा पो सारा दिन आत्मा ही आत्मा है ब्रह्म ही ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ सब ब्रह्म है ये भले पक्का करो निश्चय करो पर मन आता है इधर से आता है क्या बोलता है इधर से चला गया अभी एक घंटा तो मेरे मन में विक्षेपता चली प्रेम का एक गुरु था छोटेपन में पिछले जन्म का एक पहले इसने दूसरा गुरु किया वो इसको बोलता था तो घड़ी सामने रखो मन जब भी आवे तो देखना कितना घंटा चला मन ब्रह्मा को आगे बताना फिर जाके बता दे स्वामी जी 2 घंटा चला मेरे को तो बस असल खून ही सूख गया ऐसी ऐसी बात किया ऐसा ऐसा किया वो बोलती थी रोज लिख के आओ इसकी गुड़िया नहीं बोल लिख के पन्ना ही वहां पूरा हो गया जे इसका मन घड़ी मरे मन मरता है कभी जो है ही नहीं उसके पीछे पड़ा है खुंद पे खड़ो मन जी सजो दी छेड़छाड़ मन की छेड़छाड़ ही नहीं करो सांप की छेड़छाड़ नहीं करो मरा पड़ा हो इधर तुम असल अकेला उधर तरफ चले जाओ एक तरफ से चला जाओ मन क्या भी करे क्या भी बोले तो मन की सुनो ही नहीं तुम सुनो गुरु की आत्मा की सुनो गुरु तुमको बोलता है तुम आत्मा है तुम बोलता है मेरे को मन आता है अरे भाई मन आत्मा की बात करो ना आत्मा की कहां बात करता है खाली मन की बात करता है जो आत्मा में खड़ा है जो आत्मा में त्रिपति वाला है आत्मा में शांति वाला है आत्मा के ही अभ्यास में रहता है आत्मा ही देखता है आत्मा ही सुनता है आत्मा में ही रहता है उसके बाद मन का है आत्मा को बुलाता है तो मन है जगत है सब है जीव है दुखी सुखी बोलता है तो ये बोलता है जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है कभी निराकार से साकार हो सकता है एक चीज से दूसरी चीज कैसे बनेगी निराकार से साकार निर्विकार से विकारी निरंजन से दाग सहित ऐसा कैसे होगा सचित आनंद स्वरूप मुक्त आत्मा उल्टा बिल्कुल सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा उसी से कभी दुख रूप जड़ रूप कभी ये बन सकता है एक से दूसरी चीज कैसे बनेगी जो बीज है आम का तो आम भी निकलना चाहिए ना बीज से फिर दूसरी चीज कैसे निकलेगी इसी प्रकार निराकार से साकार हो ही नहीं सकता है निराकार एक वस्तु है और साकार हुआ ही नहीं है साकार मिथ्या जान साकार खाली देख रहे मात्र है तुम्हारी कल्पना मात्र है भ्रम मात्र है पर है नहीं जैसे रस्सी में सांप रस्सी से कभी सांप हो सकता है रस्सी एक चीज सांप दूसरी चीज रस्सी से सांप कैसे होएगा रस्सी में भी सांप कैसे होएगा नहीं रस्सी से सांप हुआ नहीं रस्सी में सांप है पर भ्रम मात्र अज्ञान की वजह से अंधेरे में तुमको खाली देखने में आता है कि सांप है कुछ नहीं इसी प्रकार नाकार ही निराकार है आज भी ब्रह्म ही ब्रह्म है आज भी भगवान है एक से अनेक हुआ भी नहीं है आज भी एक ही है अज्ञानी उसको अनेक करके देखता है इसके लिए दुखी सुखी हुआ है ज्ञान की नजर तो आज भी एक के ऊपर ही है बस मैं ही एक हूँ मैं ही तो हूँ मैं ही तो हूँ मैं ही तो हूँ कृष्ण भगवान का ज्ञान राजा हे अर्जुन जड़ चेतन सब मैं ही हूँ कहाँ मैं नहीं हूँ किधर मैं नहीं हूँ तो जगत कहाँ से आया भगवान बोलता है मैं हूँ तुम बोलता है जगत है भगवान के तुम्हारे ख्याल में देखो कितना फर्क है तुम बोलता है भैया साकार सृष्टि इतनी बड़ी है इतना जगत दिखाई देता है भगवान बोलता है मैं हूँ मैं ही तो हूँ मैं एक बिल्कुल एक हूँ दो भी नहीं हूँ अनेक भी नहीं सपना जीवा का एक कोई धाता सो मैं विसर न जाई सब जीव जंत्र का एक ही स्वरूप धारने वाला है सो मैं हूँ ये तुमको भी नहीं भूल जाए कि तुम भी वही है ये सच्चा अर्थ है जो भगवान गीता में बोलता है मैं ही तो हूँ मैं ही तो हूँ तो उधर जगत कहाँ से आया जगत उत्पन्न हुआ बताओ बोला भगवान ने तो ये जगत है ये मैं हूँ जुदा बोला मैं ही हूँ जड़ चेतन सब मैं ही हूँ जगत है ही नहीं उधर नहीं उत्पत्ति नहीं हुई है नहीं नास्ती है जगत की ये तुम्हारे संकल्प से तुम्हारे भ्रम में
तुम्हारी कल्पना है, जगत एक रहन का सपना है, कल्पना है, एक कहानी है। तुम नहीं कहानी सुनाते है, वो कैसी कहानी आया बुधाई दी बारन के बुधाई रानी को भी तीन बेटा पैदा हुआ, दो तो गर्भ में आया ही नहीं था। अभी स्टोरी देखो कैसा शुरू किया है, तीन पैदा हुआ, दो तो गर्भ में ही नहीं आया था और एक अभी पैदा ही नहीं हुआ था। पर तीनों ऐसा चलने लगे, चलते चलते एक ऐसा तीन बगीचा दिखाई दिया जिसमें दो तो अभी बना ही नहीं था और तीसरे को अभी माली ने शुरू किया था, जैसे नाम लिया था बनाने का, और उन तीनों बगीचों के फल फ्रूट को खाया। उसमें से पेड़ तो अभी बने ही नहीं थे, फिर तालाब जो उसमें से दो में तो पानी नहीं था, तीसरे का नाम भी नहीं था, कहाँ भी नहीं था, तराई नहीं था, तराई नहीं था, खाली का उधर स्नान किया, उधर स्नान किया, फिर एक ग्राम में आया गोठ में, पर उधर तीन थाली उसको दी गई, उसमें बहुत खाना पीना दिया, थाली को तरा ही नहीं था, तीसरी बनने गई तो है ही नहीं थी। बड़ी स्टोरी बन गई, सारा दो चार पन्ना तो बन गया स्टोरी का। तो तुम भी जब आते हैं, मेरा ना मर्द था, मेरा एक बेटा था वो मर गया, पीछे मैं ऐसा था, मैं पीछे मैंने शादी किया, पीछे चार बच्चा भी हुआ, पीछे मैंने धंधा किया, पीछे ऐसा हुआ, पीछे मैं विलायत गया, पीछे ऐसा, ये सब कहानी नहीं है सब, तुम्हारी भी बेवकूफी की कहानी है, यानी तुम्हारी कहानी सुन के और हंसता है, तुम रोता है, वो बात सुना के रोता है। पीछे ना मेरा 10 साल पहले ना इसने मेरे को गाली दिया था, सास ने, मेरे बाप ने मेरे को निकाल दिया था, पैसा ही नहीं दिया, पर मेरे को ऐसा किया, सब कहानी नहीं है तो क्या, एक घटना है, जगत एक घटना है, एक कहानी है, एक भ्रम मात्र है, कल्पना है, कल्पनावाद। उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नाश क्या होगा, निराकार से साकार कभी हो ही नहीं सकता, यही ब्रह्म जगत है का, जगत भ्रम के मात्र दिखाई देता है, जैसे पानी दिखाई देता है ना भ्रम में, है तो नहीं, है तो रहती ना, इसी प्रकार खाली दूर से जैसे पानी दिखाई देता है, ये आंखों का तुम्हारा दोष है, इसी प्रकार आंख के दोष से तुमको जगत दिखाई देता है, पर है ब्रह्म। अभी भी तुम वापस उसी निराकार में आ जाओ कि मैं ही हूं बस, दूसरा कुछ नहीं है, द्वितीया नास्ति, एको ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, केवल ही केवल है, बोले केवल ही केवल है, ब्रह्म ही ब्रह्म, जिसमें एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, एक ब्रह्म भी नहीं कह सकते है क्योंकि दो है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, सारी दुनिया भरपूर है भगवान से, तो दुनिया बाकी कहां रही, जगत कहां रहा, जब एक ही भगवान है तो जगत की तरह है। बोला गुरु जी समाधि में अंदर बैठा, अरदादा ने बोला नीचे उतरो, चलो दरवाजा खोलो बैठ चलो, भाई क्या बात है, वो अभी तक समाधि में बैठा है, जो साधक है वो सिद्ध नहीं है, तुम तो बोलते हैं ये बड़ा महंत है, उसकी दर्शन करने चलो, बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी कभी अंदर समाधि में बैठता ही नहीं, समाधि उसकी 24 ही घंटा लगी पड़ी है, 2-3 घंटे के लिए जो बैठ, वो साधक है, अभी तक समाधि करता है, माना समाधि उसकी एंड नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई, अभी तक समाधि में ही बैठता है, क्योंकि उसको विक्षेपता आती है तो समाधि में बैठता है, जिसको विक्षेप ही नहीं है वो 24 घंटा समाधि में है, देखता हुआ भी समाधि में है, सोता हुआ भी समाधि में है, और सामने आंख खोलता हुआ भी समाधि में है, उसको 1 घंटा आंख बंद करके समाधि में बैठने का कोई जरूर नहीं है, ये सिद्ध नहीं है, ये साधक है। तो उधर से अंदर से आया गुरु जी, क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है, ये कौन है, बोला आप समाधि कर रहे थे तो आप सिद्ध तो नहीं है, बोला नहीं सिद्ध तो अब नहीं, अब रास्ते में है, बोला हाँ बस हमको पता चल गया, हमको रास्ते वाला नहीं चाहिए, खुद ही भटक रहे हैं, अपनी भी देखना, मैं भी दुनिया में हूँ तुम्हारे जैसा ही बैठा हूँ, लेकिन तुम लोकारित में, मैं लोक संग्रह के लिए हूँ, तुम सकाम या मैं निष्कामी हूँ, तुम देह में मैं बादी लेस हूँ, मेरे को भी देखो अपने को भी देखो, गुरु का आदर्श हम नहीं देखे तो वो कैसे पूर्ण है, तो हम कैसे पूर्ण बनेंगे, कब पूर्ण बनेंगे, किस जन्म में पूर्ण बनेंगे, अगर हम सामने पूर्ण गुरु नहीं देखे तो, और पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे, पूरा गुरु अगर सही छोड़ के जाए पूर्णता हासिल करके, तो हमको कौन सिखाएगा, हमको पूर्णता में कौन लेके आएगा, हम तो अधूरे रह जाएंगे सारी दुनिया,
पूर्ण से ही पूर्ण बनेगा ना, काय का शरीर वो छोड़ के जाएगा। भाई ब्रह्म ज्ञानी ना 21 दिन रहता है दुनिया में, 21 दिन के बाद मर जाता है। ये सब तुम्हारे जो है बेवकूफी है, तुमने जो बहुत शास्त्र पढ़ा है तुम्हारी बुद्धि मुंज गई है, उलझन में आ गई है, सच झूठ को भी जानता नहीं अभी तक। पूर्ण गुरु अगर जगत में नहीं होएगा तो हमको कैसे पूर्ण बनाएगा? संतन होते जगत में जल मरे संसार जी। अभी एक सेकंड पहले निषेध था साकार का, हाँ वो दूसरी बात ही, फिर तुम उसी बात में आ जाते हैं, जहाँ जो बात है उधर की सिद्ध करो। एक पॉइंट को पकड़ो, पूर्ण होएगा तो शरीर छोड़ेगा, तुम्हारी ये बात थी, इसका मतलब शरीर लाया था ना, शरीर था ना जो छोड़ेगा, आपने बोला पूर्ण होएगा तो शरीर छोड़ के जाएगा, तो शरीर साकार था ना जो छोड़ के जाएगा, आया था ना दुनिया में जो छोड़ के जाएगा। तो तुम जब इस आकार में आता है तो फिर हमको बोलता है तुम साकार में क्यों आता है? तुम्हारा सवाल ही है अभी साकार का, भाई पूर्ण होएगा तो दुनिया से चला जाएगा, ये बात है ही नहीं। पूर्ण होके बहुत दिन दुनिया में रह के हम सबको सिखा के पीछे अंतर ध्यान होता है, पूर्ण गुरु सामने नहीं होता हम कैसे सीखे, किसके साथ सीखे बैठ के? सब कच्चे गुरु होते हैं जो समाधि लगाते हैं, पर पूरा गुरु जो है वो समाधि से ऊपर है, जो आठ ही पैर समाधि में रहता है, ऐसा गुरु हमारे को नहीं मिलेगा दुनिया में, हम नहीं देखेगा उसको, हम कैसे उसी जैसा होगा? इसके लिए पूर्ण गुरु का रहना होना बहुत जरूरी है। संतन होते जगत में तो जल मरे सच्चा। वो तो बेहद ही है ना, ये हद खाली उपाधि है थोड़े टाइम के लिए, और वो आश्रय नहीं है, आश्रय नहीं लेता है इस शरीर का, आत्मा पहले आत्मा है, पीछे ये शरीर है, कल्पना मात्र भ्रम मात्र, उसमें कोई फंस नहीं गया है आत्मा, कोई उसको संबंध नहीं है आत्मा का इसके साथ, देह के साथ, वो बेहद ही है बस, अभी भी बेहद है। जैसे आकाश घट में आया है तो तुम बोलते है बहुत आकाश भाई छोटा है, आकाश जैसे छोटा हो गया तभी तो घट में समाया, लेकिन आकाश महाकाश से अभी भी मिला पड़ा है, वो तो बेहद में है अभी भी, खाली थोड़े टाइम के लिए घट में जैसे तुमको देखने में आता है, घट टूटा तो फिर देखो तो महाकाश से मिला पड़ा है, ही कुछ नहीं है, ही ब्रह्म, केवल ब्रह्म है, ये छोटे शरीर में वो आ ही नहीं सकता है, फंस नहीं सकता है, इतने छोटे छोटे घट में जैसे आकाश फंस गया है क्या? आकाश है ला महदूद बेहद, बेहद कभी हद वाले में आता है, ये शरीर है हद वाला परिचन, और आत्मा है बेहद, तो अभी भी बेहद है, पहले भी बेहद ही था, चाहे तुम बोलते हैं शरीर में जैसे आत्मा छोटी छोटी को आ गई है, भाई आत्मा है ये सब, इतनी आत्माएं है हर एक शरीर में, तो छोटी छोटी शायद आत्मा आ गई है, ब्रह्म का कभी खंड होता है? वो अखंड है, आत्मा अखंड है, कभी खंड खंड हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं एक एक शरीर में जुदा जुदा थोड़ा 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 आत्मा पड़ गया है, ऐसा नहीं है भाई, इसमें भी थोड़ी आत्मा है, इसमें भी छोटी आत्मा है, इसमें महान आत्मा है, इसमें पाप आत्मा है, इसमें पुण्य आत्मा है, तुमने तो हजारे तो आत्मा पड़ी है तुम्हारे अंदर, भाई ये महात्मा है, भाई ये महात्मा आया, मैं पाप आत्मा हूँ, ये महात्मा आया है उत्तरकाशी से उतरा है, तो उसकी आत्मा महान हो गई, तुम्हारी आत्मा जो पापी हो गई, ऐसा जो एक ही आत्मा देखता है वो महात्मा और पापी में जो एक देखता है, भगवान ने गीता में बोला है जो महात्मा और पापी में एक ही आत्मा देखे वो ही सच देखता है, साध और चोर को एक पहचानो, मतलब पहचानो, ऐसा नहीं चोर के साथ जाके तुम व्यवहार करेगा साधु जैसा, ऐसे नहीं है, लेकिन पहचानो ये भी भगवान ही है, वैश्या को देखता है तुम घृणा करता है, बता ये वैश्या है नहीं, वो भी भगवान ही है, उसकी आत्मा भी कोई काली नहीं हुई है, उसकी आत्मा अभी भी स्वच्छ है, अभी भी पवित्र है, ऐसी जैसी महात्मा की आत्मा, क्योंकि आत्मा एक है ला महदूद, आत्मा कोई किचरे में नहीं आ गई, किचरा उसको नहीं लगा, गंद नहीं लगा, गटर नहीं लगा, तुम्हारे देह में आ गई तो देह जैसी छोटी नहीं हो गई, देह जैसी मलिन नहीं हो गई, आत्मा तो अभी भी स्वच्छ है पवित्र है, तुम अपने को आत्मा जानो तो हजार किस्म के तुमने समझो पाप किया है कल तक, आज ही धुल जाएगा, अली अपने को आत्मा जानो समझो कि मैं पौत्र हूँ, मैं पाप हूँ, मैंने कभी पाप नहीं किया, पाप ये सपने में अज्ञान में अंधेरे में तुमने अपने में माना था,
ऐसा मन की लुचाई तुमने अपने में मानी थी, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैं हूँ, जब तुम्हारी मैं ही मिट गई, गुरु के संग में तुम्हारी मैं मिट गई, ये छोटी मैं, तो छोटी मैं के साथ तुम्हारा पाप पुण्य दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मरण सब छूट गए। छोटी आय के साथ ये लागू थी बात सब, छोटी आय है, जीव भाव है, तो तुम बराबर पापी भी है, पुण्य भी है, सब तुमको लगेगा, जन्म मरण में जाना पड़ेगा, कर्ता बनेगा, भोक्ता बनेगा, मरता बनेगा। जो करता ही कुछ नहीं है, जो भोक्ता ही नहीं है, वो मरता भी नहीं है। मैं अकर्ता हूँ, साखी हूँ, दृष्टा हूँ, मन का भी साखी, बुद्धि का भी साखी, मन क्या क्या करता है, किधर जाता है, क्या करता है, मैं उसका साखी होके देखता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ, मन के साथ मैं जाके नहीं करता हूँ। मन कहाँ भी उड़ के आए, फिर उसी जहाज पर आएगा, जैसे पक्षी जहाज में बैठा है, समुद्र में जहाज है, पक्षी बैठा है, वो उड़ता है, बोलो उड़ने दियो, किधर जाएगा, आसमान में कोई आसरा ही नहीं है, बैठने का कोई जगह ही नहीं है, उड़ के किधर आएगा वापस, फिर जहाज पर ही आएगा। तुम इधर बैठे है, मन किधर भी गया, अरे उड़ने दियो, बोलो धक्का खा के फिर वापस किधर आएगा, शांति किधर मिलेगी, तुम्हारा आसरा ही है आत्मा। बोलते है मैं आत्मा के आश्रय में शांत हूँ। जीवात्मा जीवात्मा, जब जो तुम आत्मा जीव के साथ मिक्स हो गए, तुम अपने को जीव समझ के बैठा, उसको बोले जीवात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण जिसमें है वो जीवात्मा उसको बोलते हैं। आत्मा जीव के साथ मिक्स हो गई है, अभी उसका उद्धार करो, माना जीव से उसको अलग करो आत्मा को। तू आत्मा है, तू जीव नहीं है, तो तुम्हारा उद्धार हो गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा जीव से जैसे मिक्स हो गई है, शेर बकरियों के बैठा है। राजा ने शराब पी के अपने को भंगी समझ लिया, इसी प्रकार तुम आत्माओं के सोच बहुतर होके ये माया का साथ लेके आया, तो माया का छतरा लग गया, अपने को जीव दुखी सुखी पापी पुण्य समझने लगा। अभी जब गुरु मिलता है, सच्चा गुरु पहले ही हमको बताता है कि तुम आत्मा है, तुम शुद्ध है, तुम पौत्र है, तुम निर्विकारी है, ये तुम्हारे सपने में था सब, सपने से जागो, सपने में तुमने अज्ञान की नींद किया था, सपने में पाप पुण्य किया था, अभी जागो, तुम कभी नहीं मानो कि मैं पापी हूँ, मैं पुण्य, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जैसे पिछले जन्म का कर्म तुमको याद है, ऐसे अभी का कर्म भी तुमको भूल जाए, जब तुम आत्मा में जागेगा तो अभी कल तक क्या हुआ उसको भुलाओ, वो कचरी समुद्र में छोड़ के आओ, पाप और पुण्य की यही है, इधर समुद्र इधर ही छोड़ के जाओ, हमारे पास हम समुद्र में डुबा के छोड़ेगा, तुम स्वच्छ हो जाओ, पौत्र हो जाओ, आत्मा हो जाओ, आत्मा इधर लेके जाओ, इधर से जीव भाव इधर छोड़ के जाओ, जीव भाव में सब दुख सुख है। अर्प गुरु को अपना जीव, चरण गुरु के दो दो पी, अर्प साध को अपना जीव, चरण माना वचन, वचन गुरु के दो दो पी, दो दो के साफ करके उत्तर प्रसन्न करके तुम वचन जो है वो पियो, और अर्प साध को अपना जीव, ये जो जीव भाव है वो अर्पण करके जाओ साधु को, और उसका वचन जो है वो दो दो के पियो, साफ करके निर्णय करके उठो, एक एक बात निर्णय करो, तो वही सवाल कुछ 10 साल पहले भी पूछेगा, 10 साल पीछे भी पूछेगा, अरे एक बारी निर्णय करो ना, तो किस ख्याल से हम क्या बोलते हैं, आत्मा क्या है, जीव क्या है। आत्मा जैसे जीव से मिक्स हो गया, उसको बोलते हैं जीव आत्मा, और तुम्हारी आत्मा जीव से मिक्स ही नहीं है, तुम उसका उद्धार करो, अपनी आत्मा का उद्धार करना, माना तुम आत्मा हो के फिर कभी जीव भाव में मिक्स नहीं होना, ये आत्मा का उद्धार। हरेक अपनी आत्मा का उद्धार करे, न अपनी बुरी गत करे, बुरी गत, हरेक सज्जन है अपना आप, दुश्मन है अपना आप, जय आत्मा से पढ़े, ये गीता के अध्याय में अलग कुछ होवे, जगत होवे, ते होवे, कोई चीज होवे, कोई पदार्थ होवे, तो तुम ग्रहण करना और त्याग भी करना, ये मेरी चीज है मैं त्याग करता हूँ, मेरी चीज तेरे से जुता है तभी त्याग करता है, ये मेरी स्त्री है मैं इसका त्याग करके जाता हूँ जंगल में, तुम भी है, तुम्हारी स्त्री भी है, तुम त्याग भी करेगा, तुम्हारी स्त्री कहाँ से आई, वो खुद भगवान है कि तुम्हारी है, हर एक भगवान बैठा है,
सब जो है वो अलग अलग है एक दूसरे से, कोई किसी से बनता नहीं है, कोई बिगड़ता नहीं है, किसी का किसी से लांगापा ही नहीं है। तुम लांगापा रख के बैठा है, वो लांगापा अभी काट होगा, तो ये सर्व त्याग हो गया। आसक्ति का त्याग ही सर्व त्याग है। जो हमारी आसक्ति की अटकी पड़ी है, मतलब जंजीर में तुम फंसे पड़े हैं, या मेरा मतलब जंजीर तुम्हारे और उसमें जंजीर पड़ गई, फांसी पड़ गई गले में, ये मेरा बस वहां तक की तुम्हारी दौड़ है, वो दौड़ काटने की है, आसक्ति काटने की है कि मेरा कुछ नहीं है, पड़ा उधर ही रहे, रेजा उधर ही पड़ा है। आज मैंने तुमको बिक्री कर दिया, पहले कल तक हमारा था, आज मैंने खाली बोला भाई आज तुम्हारा है, बिक्री कर दिया, पीछे हमको चिंता होगी रेजे की, अभी टूटेगा यहाँ कुछ भी होगा तो हमको चिंता होगी, भाई रेजा मैंने बिक्री कर दिया, कल तक मेरा था, कल तक जो मेरी चीज है वो आज भगवान की हो गई, मेरा सब जल जाए तेरा सब रह जाए। जब मेरी चीज सब जल के भस्म हो गई और तेरी वो रह गई, मतलब तेरे को मैंने दे दिया सब कुछ जो हमारा था वो तेरा हो गया, अभी हमारे को कौन सी चिंता है, करेगा चिंता तुम? जो तेरी चीज ही नहीं है उसका त्याग करेगा, जो तेरी चीज नहीं है उसका ग्रहण करेगा, क्या ग्रहण करेगा? तुम्हारा कुछ है जो ग्रहण करेगा? जो आप ही आके मिलता दिया ज्ञानी को तो भी बोलता है ये मिथ्या है, मिला तो क्या, गया तो क्या, मिला ही है जाने के लिए, आज बेटा मिला है कल जाने के लिए, तो उसकी खुशी क्या करे, दुख क्या करे? कोई भी चीज तुमको मिलती है तुम खुशी करता है, मूर्ख है, बाहर से कोई चीज मिली माना जरूर जाएगी और दस गुणा तुमको दुखी करके जाएगी, अगर तुमने अपनी समझी तो। हजार सुख बाहर से मिलता है, जने सुखन संदा सामान चल तने स्याणा भुलजी की न गपन, कन किरत हुआ जेका चई सचन बड़ी अदब रखी कन प्या आजी, जने सुखन संदा सामान चल, जब सुख आता है बाहर से सुख मिला, किसी का प्यार मिला, किसी की प्रेजेंस मिली, कोई बेटा मिला, कोई धन मिला, कोई कुछ भी मिला बाहर से मिला, जने सुखन संदा सामान चल स्याणा भुलजी की न गपन, स्याणा जब उसमें भूल नहीं करता है, उसमें अटक नहीं जाता है, ये सुख मेरे को फिर चाहिए, ये सुख सच्चा है या ये सुख है, ऐसा भी नहीं समझता ये सुख है, सुख क्या है, सुख के पीछे उसको पता है दुख है। एक ब्रह्म ज्ञानी के घर शादी थी बेटे की, तो कफन बना रहा था दूसरे कमरे में, किसी ने बोला ये क्या करता है, उपसगन करता है, तुम ज्ञानी है? बोला ये आज शादी करेगा कल मरेगा, उसके लिए कफन भी बना देता हूँ पहले से, ये शादी करके लौटेगा ये मर जाएगा। बोला ये मर जाएगा तो शादी क्यों कराता है उसको? बोला शादी होने वाली है, ऐसा भी होएगा, ये सब ड्रामा होएगा, हम ड्रामे का देखने वाला है, हम ड्रामे को चेंज करने वाला नहीं है, चेंज क्यों करें, कुछ खराब होता है क्या जो चेंज करें? सचमुच वो शादी करके आया और घोड़े पर चढ़ा बैरी मर गया, तो उसी कफन में उसको उठाया गया, ज्ञानी हंसता है शांत मौन, ये क्या हुआ? बोला ये भी अच्छा ही हुआ, सब ठीक ही हुआ, ऐसा ड्रामा ही होने वाला था, ये सब ड्रामा है, कुछ सच नहीं है इसमें, कुछ सार नहीं है, शादी भी ड्रामा तो मरना भी ड्रामा तो जीना भी ड्रामा, सब ड्रामा ही है, सब झूठी है, सब कल्पना है, सब नाटक है। तो सचमुच उसकी बहू आई घर में, आके उसी सुसर को पांव पड़ी कि तुम मेरा गुरु है, मेरे को गुरु मानता था और मेरे को ज्ञान दियो। अभी उस सुसर से आके बहू ने ज्ञान दिया, ज्ञान लिया, तो ये ड्रामा था, ऐसे ही ड्रामा बना हुआ था। उस लड़की को किधर से गुरु ऐसा मिले, कैसे गुरु मिले, कुछ तो ड्रामा होएगा तभी मिलेगा, किसी ने किसी बहाने से मिलता है, आज जा शाम किसी बहाने, भाई किसी बहाने से भगवान मिलता है, गुरु मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, अचानक आके किसी से काम पड़ता है तो उधर ही गुरु मिल जाता है। तो ज्ञानी के लिए नहीं सुख है नहीं दुख है, वो सुख भी मिथ्या ही समझता है, दुख भी मिथ्या ही समझता है, नहीं सुख में हर्ष करता है, कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो ग्रहण करके वो खुशी करे उसकी, क्या तुमको मिलेगा जो जाने वाला नहीं है? सब आपत्ति विपत्ति है, जो बाहर से सुख आएगा वो दुख रूपी है, सुख में दुख समाया पड़ा, सुख मांगे तो दुख आ गया होता, कौन सा सुख है जो तुम खुशी करता है, कौन सा दुख आएगा जो तुम दुखी होगा, ये बताओ,
अभी कौन सा दुख भगवान ने बनाया है तुम्हारे लिए जो भेजेगा और तुम दुखी होगा? एक दो दुख बताओ। तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है तुम सब दुखी होता है, तो बेवकूफ है कि कौन है? बीमार को मैं याद करो, बीमारी है ही नहीं। तुम काहे के लिए अपने को बीमार समझता है? तुम आत्मा में रहो, ओम बोलो उसी को। ये थोड़े टाइम के लिए तुम सुख सबके शरीर पर आता है, तुम काहे के लिए घबरा देता है? लेकिन तुम ही खुद जो इधर बैठे ना, सब घबरा देगा, उसी को भी घबरा डालेगा, तुम भी घबराएगा। अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ।